क्या आप भी सेल्फी लेने के शौकीन हैं? लेकिन ये सेल्फी ऐसी है जिसके लिए आपको 100 रुपये देने होंगे। चौंक गए ना? वैसे नायाब आइडिया है मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री उषा ठाकुर का। उषा ठाकुर शिवराज सिंह चौहान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनका कहना है कि जो भी उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है उसे 100 रुपये चुकाने होंगे। ऐसा करने का भी उन्होंने कारण बताया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इससे करीब 250 किलोमीटर दूर है खंडवा। यहीं पर मध्य प्रदेश में संस्कृति मंत्रालय संभाल रही उषा ठाकुर मीडिया से बातचीत कर रही थी। इस दौरान उन्होंने सेल्फी लेने को लेकर बुके देने तक सब पर अपनी राय दे डाली। सेल्फी को लेकर उन्होंने अपना प्लान बताते हुए कहा कि सेल्फी की वजह से बहुत समय बर्बाद होता है, कई बार इस कारण कार्यक्रमों में देरी से पहुंच पाते हैं। इसलिए संगठनात्मक दृष्टि से अब जो भी सेल्फी लेना चाहता है उसे बीजेपी की लोकल मंडल यूनिट में 100 रुपये जमा कराने चाहिए। बता दें कि कुछ ऐसा ही बयान 2015 में बीजेपी के नेता कुंवर विजय शाह ने भी दिया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं उन्हें इसके लिए 10 रुपये देने चाहिए। उषा ठाकुर ने सेल्फी की फीस बताने के अलावा ये भी कहा कि वो अब से बुके यानी कि गुलदस्ता स्वीकार नहीं करेंगी, इसकी जगह किताबें एक्सेप्ट करेंगी। इसके पीछे का लॉजिक बताते हुए उन्होंने कहा कि फूल तो भगवान विष्णु को ही चढ़ाए जा सकते हैं क्योंकि उनमें लक्ष्मी का निवास है। उनके अनुसार फूलों में देवी लक्ष्मी का निवास है, इसलिए भगवान विष्णु के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो साफ और बेदाग हो, इसलिए मैं फूल स्वीकार नहीं कर सकती। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि बुके की जगह बुक देनी चाहिए। वैसे उषा ठाकुर की तरफ से पार्टी फंड में पैसा डालने से जुड़ी ये अकेली योजना नहीं है। कुछ दिन पहले उन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगवा चुके लोगों से भी 500 रुपये जमा करने की अपील कर डाली थी। 2 जुलाई 2021 को उषा ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि मैं लोगों से एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। कोरोना की वजह से व्यवस्था प्रभावित हुई है, इसलिए यदि हम सक्षम और समर्थ हैं तो हमें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं तो 500 रुपये पीएम केयर्स फंड में ज़रूर डालें। मैंने भी इस अभियान की शुरुआत की है। हालांकि उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया में बहुत तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। इससे पहले उषा ठाकुर बजट सत्र के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में बिना मास्क पहने पहुंच गई थीं। जब रिपोर्टर्स ने ऐसा करने पर उन्हें टोका तो उन्होंने इसके लिए अजब गजब सा एक जवाब दे डाला। उन्होंने कहा कि मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, रोज़ शंख बजाती हूँ, काढ़ा पीती हूँ, गोबर के कंडे पर हवन करती हूँ, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ये मेरा कोरोना से बचाव है, गमछा गले में रखती हूँ, अगर कोई पास आए तो मुंह पर रख लेती हूँ। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात कुछ ठीक नहीं है। आप लोग भी सुरक्षित रहिए, अपने घरों के अंदर रहिए। घर से बाहर सिर्फ तभी निकलें जब कुछ ज़रूरी काम हो। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। शुक्रिया।